रविंदर भाटी नजर आ रहे हैं बाहुबली के महेंद्र बाहुबली जैसे। वो गांव गांव जा रहे हैं और सभी से वादा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं वचन देता हूं कि आपकी बात को दिल्ली में उठाऊंगा। दरअसल वो जहां भी जा रहे हैं वहां की अपनी कुछ समस्या है। ऐसे में रविंदर भाटी वचन दे रहे हैं कि वो हर हाल में दिल्ली में मुद्दों को उठाएंगे। अब ये अलग सवाल है कि क्या वचन पर जनता वादा करती है या नहीं, लेकिन सच तो ये भी है अगर रविंदर भाटी सांसद बन जाते हैं तो फिर ज्यादातर गांव में जो समस्या है वो सांसद कोष से ही उन्हें दूर कर सकते हैं। इसके लिए उनको लोकसभा में मुद्दा उठाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन रविंदर भाटी के वादा वाली राजनीति जनता को बेहद पसंद आ रही है और उनको लग रहा है कि कोई है जो उनके बीच का है और उनकी बात कर रहा है। वही रविंदर भाटी का राजस्थानी भाषा में बात करना भी हर किसी को लुभा रहा है। रविंदर भाटी नजर आ रहे हैं बाहुबली के महेंद्र बाहुबली जैसे। वो गांव गांव जा रहे हैं और सभी से वादा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं वचन देता हूं कि आपकी बात को दिल्ली में उठाऊंगा। दरअसल वो जहां भी जा रहे हैं वहां की अपनी कुछ समस्या है। ऐसे में रविंदर भाटी वचन दे रहे हैं कि वो हर हाल में दिल्ली में मुद्दों को उठाएंगे। अब ये अलग सवाल है कि क्या वचन पर जनता वादा करती है या नहीं, लेकिन सच तो ये भी है अगर रविंदर भाटी सांसद बन जाते हैं तो फिर ज्यादातर गांव में जो समस्या है वो सांसद कोष से ही उन्हें दूर कर सकते हैं। इसके लिए उनको लोकसभा में मुद्दा उठाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन रविंदर भाटी के वादा वाली राजनीति जनता को बेहद पसंद आ रही है और उनको लग रहा है कि कोई है जो उनके बीच का है और उनकी बात कर रहा है। वही रविंदर भाटी का राजस्थानी भाषा में बात करना भी हर किसी को लुभा रहा है। रविंदर भाटी नजर आ रहे हैं बाहुबली के महेंद्र बाहुबली जैसे। वो गांव गांव जा रहे हैं और सभी से वादा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं वचन देता हूं कि आपकी बात को दिल्ली में उठाऊंगा। दरअसल वो जहां भी जा रहे हैं वहां की अपनी कुछ समस्या है। ऐसे में रविंदर भाटी वचन दे रहे हैं कि वो हर हाल में दिल्ली में मुद्दों को उठाएंगे। अब ये अलग सवाल है कि क्या वचन पर जनता वादा करती है या नहीं, लेकिन सच तो ये भी है अगर रविंदर भाटी सांसद बन जाते हैं तो फिर ज्यादातर गांव में जो समस्या है वो सांसद कोष से ही उन्हें दूर कर सकते हैं। इसके लिए उनको लोकसभा में मुद्दा उठाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन रविंदर भाटी के वादा वाली राजनीति जनता को बेहद पसंद आ रही है और उनको लग रहा है कि कोई है जो उनके बीच का है और उनकी बात कर रहा है। वही रविंदर भाटी का राजस्थानी भाषा में बात करना भी हर किसी को लुभा रहा है। रविंदर भाटी नजर आ रहे हैं बाहुबली के महेंद्र बाहुबली जैसे। वो गांव गांव जा रहे हैं और सभी से वादा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं वचन देता हूं कि आपकी बात को दिल्ली में उठाऊंगा। दरअसल वो जहां भी जा रहे हैं वहां की अपनी कुछ समस्या है। ऐसे में रविंदर भाटी वचन दे रहे हैं कि वो हर हाल में दिल्ली में मुद्दों को उठाएंगे। अब ये अलग सवाल है कि क्या वचन पर जनता वादा करती है या नहीं, लेकिन सच तो ये भी है अगर रविंदर भाटी सांसद बन जाते हैं तो फिर ज्यादातर गांव में जो समस्या है वो सांसद कोष से ही उन्हें दूर कर सकते हैं। इसके लिए उनको लोकसभा में मुद्दा उठाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन रविंदर भाटी के वादा वाली राजनीति जनता को बेहद पसंद आ रही है और उनको लग रहा है कि कोई है जो उनके बीच का है और उनकी बात कर रहा है। वही रविंदर भाटी का राजस्थानी भाषा में बात करना भी हर किसी को लुभा रहा है।